मार्केट में हमें हर तरीके के ऑप्शंस मिल जाते हैं और आज हम बात करने वाले हैं लिप प्रोडक्ट्स के बारे में। तो क्या होता है ना कि हमें पता है कि हमें बेसिक में हमें किस तरीके के लिप शेड्स चाहिए, हमें ग्लॉसी सूट करेगा, हमें ग्लॉसी सूट करने वाला है या मैट फिनिश सूट करने वाला है या फिर वट एवर इट इज। तो उससे क्या होता है ना कि हमें ट्रेंड फॉलो करते करते अपनी मैचिंग ड्रेस के साथ मैच कराते कराते जो होता है ना, हम ढेर सारे लिपस्टिक्स परचेज कर लेते हैं। ऑफकोर्स वो सारी की सारी कॉस्टली होती हैं और आई मीन ऑफकोर्स हम अच्छे ब्रांड से प्रेफर करना चाहेंगे, राइट? तो क्या होता है ना कि एंड अप होते हैं हम लोग इतनी सारी लिपस्टिक्स के, इनफैक्ट इसमें से कम 10-15 जो है वो डिस्कार्ड कर दी थी बिकॉज वो एक्सपायर हो गई थी, और उसके बाद जो एक्सपायर नहीं हुई थी उसके बाद मेरे पास इतना सारा जो है वो कलेक्शन था। इसमें ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से जो मिड रेंज वाले हैं ना वो सारे ब्रांड्स हैं, कलर बार से लेकर एलिटीन, लॉरियल, हर एक चीज़ है इसमें। तो क्या होता है ना कि हमें डेली यूज़ में कह सकते हो एक भी लिपस्टिक नहीं चाहिए होती है, डेली कौन लिपस्टिक लगाता है, लाइक लिप बाम इज अनफ। वो टिंटेड होता है और वो नेचुरल लुक दे देता है तो इतना काफ़ी होता है। तो लिपस्टिक होती है ना वो रखी रहती है, सिर्फ फेस्टिवल्स में ही वो यूज़ होती है। और क्या होता है इसके साथ मैं आपको दिखाती हूँ। आज मैं शूट कर रही हूँ बिल्कुल नेचुरल लाइट में ताकि जो रियलिटी है वो मैं आपको एक एक करके दिखा सकूँ। हुआ आप खुद देख सकते हो, जब मुझे एक्चुअली में इसे लगाना है तो मैं इसे बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहूँगी क्योंकि इसमें आप देख सकते हो ये जो वाइट और ब्लैक कोटेड है ये पूरा का पूरा फंगस है एंड दिस इज़ नॉट गुड। तो ऑफ कोर्स दिवाली की सफाई के साथ साथ ये सारी चीज़ें भी है एलिमिनेट होने वाली है वन बाय वन। तो ये तो हो गई एलेटीन की, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कलर बार। तो कलर बार यूँ ही मैं रेंडमली उठा रही हूँ, इसमें भी आप देख सकते हो किस तरीके का डिपॉजिट हो गया है। जबकि मैं लिपस्टिक पे मैं डायरेक्टली अप्लाई नहीं करती हूँ, मैं लिप ब्रश के थ्रू ही इसे अप्लाई करती हूँ, उसके बाद भी इस तरह से इसमें डिपॉजिट हो गया जो कि एक्चुअली में बिल्कुल भी सही नहीं है। ये वाला जो है लिपस्टिक मैंने दिखाया था ये दिस कम्स फॉर 100 रुपीज़ और शेड काफ़ी अच्छा था, जैसा कि हम सब कुछ ही होता है बेसिक, जैसे पिंक्स, पर्पल्स, ब्राउन्स, रेड, कोरल्स, तो ये सारे शेड्स मेरे पास थे और एंड अप हुआ इस तरीके का। तो ये जो है साफ होने वाले हैं अभी फिलहाल। तो आई लर्न अ लेसन जो कि मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। ये आप सारी लिपस्टिक देख सकते हो, सभी में इस तरीके के जो है फंगस जैसा इसमें कोटेड है जिसे आप बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहोगे। इनफैक्ट ये तो पूरी की पूरी बची हुई है और ये पूरी की पूरी वेस्ट हो गई। सो ये वाला कलर तो इतना हॉरेबल हो गया पूछो मत। ये सी दिस, आप इसे बिल्कुल भी लिप्स में लगाना नहीं चाहोगे। आई डोंट नो इसका जो फॉर्म्यूला था, ये सारी चीज़ें जो है बहुत अच्छी थी, लाइक लिप में इसे अप्लाई करने के बाद आपको बहुत ही बटरी शिया बटर वाली जो स्मेल होती है ना वो आती थी। तो बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं हुआ था कि इसमें ऐसा कुछ होगा। नो डाउट दिस स्टिक इज़ फॉर 100 रुपीज़, बट ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इस ब्रांड से कि इतनी जल्दी इसमें इस तरीके का फंगल जो इसमें कोट है आप देख सकते हो, इसका इसे शायद मैंने एक बार ही यूज़ करा होगा, सिर्फ ओनली सिंगल टाइम। ये पूरा का पूरा ये आपका इंटैक्ट है और इसमें अब इस तरीके से फंगस लग चुका है जिसे कि अब मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने वाली। और आई डोंट थिंक सो कि मैं कभी अब इस ब्रांड के लिपस्टिक यूज़ करूँगी। अगर यूज़ मुझे करनी भी होगी क्योंकि ऑफकोर्स हम ड्रेस के मैचिंग के खरीद लेते हैं, तो मैं इसे कोशिश करूँगी कि 1 मंथ के अंदर ही फिनिश कर दूँ। अदरवाइज वैसे 1 मंथ में 1 लिपस्टिक यूज़ करना पॉसिबल नहीं है, तो रदर आई विल स्विच फॉर द स्मॉल पैलेट्स जो कि बहुत ही छोटी छोटी पैलेट्स होते हैं या फिर मिनी साइज जो होता है ना वही कलेक्शन रखना चाहूंगी कि वो वेस्ट भी हो गया ना तो मेरे बहुत सारे पैसे एक साथ वेस्ट बिल्कुल भी नहीं हो। इसका जो अनदर कलर है उसका ये भी बहुत प्यारा सा था, लाइक ये एक वाइन कलर है एक तरीके का, तो लाइक वाइन में भी बहुत सारे कलर्स होते हैं इसलिए मैंने बोला इस तरीके का। तो ये देखो ये भी वैसे ही हो गया। सो एनीवेज हम बात कर रहे थे लिप प्रोडक्ट्स के बारे में, तो फाइनल वर्डिक्ट यहाँ पे मेरा ये होगा कि ऑफकोर्स इंडियन कल्चर में या फिर कह सकते हो कि फेस्टिव जो ऑरा होता है उसमें हमें बहुत सारे तरीके के आउटफिट के साथ मैचिंग जो है लिप कलर्स चाहिए होते हैं। तो आई विल सजेस्ट कि गो फॉर द जो मिनिमम साइज वाली जो होती है ना, जो ट्रायल पैक्स होते हैं जिसमें 6 to 12
शेड्स मिल जाते हैं, तो उस तरीके के आप पैलेट्स जो है डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो, जो कि 2-3 यूज के बाद वो खत्म हो जाते हैं, यूज उसमें होता ही नहीं है, तो आप हर बार अपने फेस्टिवल्स के पहले उसे परचेज कर सकते हो, क्योंकि ओवर द टाइम आप इतने जो बड़ी साइज है 1.4 ग्राम उसे आप खत्म नहीं कर सकते, इतने सारा लिप प्रोडक्ट आप यूज नहीं कर सकते हो। ऑफ कोर्स अगर मैं इनको ऐड कर दूं तो ऑफ कोर्स ये कम से कम लाइक 20 ग्राम के आसपास हो जाएगी, क्योंकि 20 सेट्स ऑफ लिपस्टिक है उसमें, तो ये एक सच अ वेस्ट ऑफ मनी मुझे फील हुआ। और ओवर द टाइम लाइक YouTube के वीडियोज ही देख करके या फिर TV में एडवर्टीजमेंट कमर्शियल्स देख करके ही ये सारी चीजें हम जनरली परचेज करते हैं, जो कि ओवर द टाइम मैंने लर्न करा कि हमें इसे सच में इस प्रोसेस को एंड करना चाहिए, और हमें अपने लाइक गाइड एक अपना जो है स्टाइल गाइड खुद का खुद से बनाना चाहिए, और अपने अकॉर्डिंगली अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग अपने लिप शेप के अकॉर्डिंग आपको अपने लिप कलर्स जो है उसे पिक करना चाहिए, और कोशिश करना चाहिए कि वो बिल्कुल मिनिमल हो ताकि आप उसे फ्रिक्वेंटली यूज कर सको और ओवर द टाइम इस तरीके का कोई इन्फेक्शन ना हो उसमें, और वो आप ऑफ कोर्स इस तरीके बाय चांस अगर आपने उसे नेचुरल लाइट में नहीं देखा और बाय मिस्टेक लगा लिया तो आपको भी ये फंगस आप इंजेस्ट कर लोगे, एंड ऑफ कोर्स आप बिल्कुल भी बीमार नहीं होना चाहते, तो ये जो मिस्टेक है इसे बिल्कुल मत करिए। एंड या एक पर्सनलाइज्ड लिप शेड जो है वो सिलेक्ट करना है अपने स्किन टोन एंड लिप शेप के अकॉर्डिंग, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, तो उसमें जो है मैं एक डिटेल्ड वीडियो जो है वो मैं डेफिनेटली बनाऊंगी, और मैंने सोचा भी है क्योंकि मैंने भी जितने भी वीडियोस देखे थे और उन्हें देख करके मैं टेम्प्ट हुई और मैंने इतने सारे लिप शेड्स खरीदे, तो फाइनली मैं समझती हूँ कि ये वेस्ट ऑफ मनी है। हमारे पास बेसिक 3-4 लिप शेड्स इनफ होते हैं जो हर ओकेजन में हमें स्टैंड आउट कराने में या फिर आपको अच्छा मेकअप लुक देने में अचीव करने में ना वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो यस, स्टॉप वेस्टिंग मनी एंड स्टार्ट वॉचिंग माई वीडियो। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सो, एंड यस अच्छा लगता हो तो गिव इट अ थम्स अप, एंड नियर एंड डियर के संग मेरी वीडियो शेयर करना बिल्कुल, देन बी ब्यूटिफुल एंड सेव योर मनी। बाय बाय।